गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं हिंदी ग्रामर की क्लास में ये चैप्टर जो सेकंड है इसकी मैं सेकंड वीडियो बनाने जा रही हूँ। इसे आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये है अंग, ये स्वर के बाद लिखा जाता है, लेकिन इन्हें हम स्वर में काउंट नहीं करते, लेकिन स्वर के बाद और व्यंजनों से पहले राइट करते हैं अंग। इसे अनुस्वर कहते हैं। अंग होता है और एक ये चंद्र बिंदु वाला होता है अंग, ठीक है। ये है एक बिंदी और ये है क्या है, ये चंद्र बिंदु। इन दोनों को आपको समझना पड़ेगा। एक होते हैं अनुस्वर, ये तो होते हैं अनुस्वर, अंग को बोलते हैं अनुस्वर, और इसे बोलते हैं चंद्र बिंदु को अनुनासिक। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। अच्छा, सबसे पहले आप अंग को समझेंगे। इसे अनुस्वर कहते हैं, इसके उच्चारण नाक से होता है। जैसे हम बोलते हैं हंस, इसमें हमारे नाक से क्या आती है आवाज़, मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारे नाक का भी प्रयोग होता है, नाक से भी हमारे आवाज़ आती है। अंग का चिन्ह ये होता है, उदाहरण हंस, कंस, कंगन, चिंकारा। आप इन्हें बोल के देखो, इन शब्दों को बोलकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो आवाज़ है वो नाक से होकर आ रही है, इसलिए इन्हें अनुस्वर कहते हैं। इसके बाद आता है अनुनासिक, इसे अनुनासिक कहते हैं, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। अंग, इसे जैसे चांद, अंग बोला हमने, उसकी आवाज़ नाक से आई, लेकिन चांद, इसकी आवाज़ नाक और गले दोनों से आती है। पांच, आँख, कांटा, और इसका जो निशान है ये है, चिन्ह है ये है। इसे आपको पता चल गया अनुनासिक और अनुस्वर को, जो अंग होता है उसे हम अनुस्वर कहते हैं, और जो चंद्र बिंदु वाला होता है इसे हम अनुनासिक कहते हैं।